है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज यानी कि 14 अप्रैल को आईपीएल के 14वें सीजन का एक मैच खेला जाना है, जिसमें आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट टीम है, क्योंकि कैप्टन है विराट कोहली। और ऐसे में पर सिर्फ फेवरेट टीम हो जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मैच जो है इन दोनों टीम के बीच में होना है और ये दोनों टीम ही आपस में बहुत ही कड़ी टक्कर रखने वाले हैं। ये जो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, ये कहीं कम नहीं है। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कहीं से भी इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एक अगर हम पुराने आंकड़ों की भी अगर हम बात करें तो हैदराबाद भारी पड़ रही है बेंगलुरु के ऊपर। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कड़ी तैयारी के साथ जो है वो टीम उतरे और अपने दमखम को दिखाए। हालांकि आपको बता दें, अगर पहले मैचेस की हम बात करें इस बार आईपीएल में, जो दोनों टीम ने जो मैचेस खेले हैं उसमें क्या रिजल्ट रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत दर्ज की थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और हैदराबाद यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद को हार मिली थी कोलकाता नाइट राइडर्स से। तो ऐसे में एक टीम है जो कि पहले से एक मैच जीत चुकी है और अपनी जीत की कड़ी को बरकरार रखेगी, रखने की कोशिश करेगी, और एक टीम ऐसी है जो पहले हारी है, तो ऐसे में वो अपना खाता खोलने की तरफ जो है वो ज़रूर बढ़ेगी। और पुराने क्या आंकड़े इनके रहे ये भी मैं आपको बताती हूँ। दोनों टीम्स के बीच में पहले 18 मैच हो चुके हैं। 18 मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद ने 10 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं आरसीबी ने 7 मैचों में जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा था। पिछले 5 मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद भारी रही है, जिसमें कि 3 मैचेस में उन्हें जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में ये जो मैचेस हैं ये अपने आप में बहुत अहमियत इसलिए रखते हैं, क्योंकि जो मैचेस हो चुके हैं उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के मैच में क्या कुछ होना है या आगे के मैचेस में क्या कुछ होगा। पिछले सीजन की अगर हम बात करें, 13वें सीजन की अगर हम बात करें, तो यूएई में खेला गया था 2020 में जो आईपीएल हुआ था, और उस समय चीज़ें अलग थी, उस समय स्थितियाँ अलग थी, बाहर खेला गया था मैच, पूरी सीरीज बाहर खेली गई थी, तो चीज़ें अलग हो गई थी। लेकिन इस बार देश में खेला जा रहा है, लेकिन कोविड लगातार बरकरार है, कोविड बल्कि और ज़्यादा प्रभावी तरीके से इस बार आ गया है, तो तमाम चीज़ें ज़रूर सामने हैं। लेकिन इस बार मुद्दा यह है कि बैंगलोर को हैदराबाद को कहीं से भी कम नहीं आंकना है। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी फेवरेट टीम क्या है, कौन सी है, और किस टीम को कितना मैच कौन सी टीम जीतेगी, साथ ही कौन सी टीम कितना स्कोर बनाने वाली है, इसका अंदाज़ा भी मुझे लगता है कि आपने ज़रूर लगा लिया होगा अब तक। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हमें बताइए, और ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।